ओम शांति। बाबा कहते अब संगम युग का भी अंत का अंत समय है। अब तुम बच्चों को बाप समान संपूर्ण संपन्न बनकर बाप के साथ घर जाने लायक बनना है, जिसके लिए बाबा विशेष युक्ति बताते। देही अभिमानी होकर रहो। देही अभिमानी रहने का निरंतर अभ्यास हो। ऐसा अभ्यास हो कि नेचुरल नेचर बन जाए कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता निराकार परमात्मा है, मैं इस भारत भूमि पर श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ विश्व कल्याण अर्थ अवतरित आत्मा हूं। जब यह स्मृति होगी तो संपूर्ण संपन्न बाप के समीप आ जाएंगे, बाप के समान बन जाएंगे, बाप के साथ घर जाने लायक बन जाएंगे। तो सदा एक बाप का साथ हो, स्व स्थिति में स्थित हो और हर कार्य को करते करावन हार की स्मृति हो, तो न्यारे और एक बाप के प्यारे समीप और समान बन जाएंगे। तो आज अमृत बेला में यही स्वमान लेंगे, अब घर जाना है, अब घर जाना है। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाएंगे, कमेंट्स बॉक्स में स्वमान लिखेंगे, तो दिन भर हर कर्म करते संबंध संपर्क में आते यह स्मृति होगी कि अब घर जाना है। तो अनुभव करें स्वयं को। परम धाम में शिव निराकार पिता के सम्मुख। निराकार ज्योति आत्मा के स्वरूप में। देखें निराकार पिता परमात्मा को ज्योति स्वरूप अवस्था में अपने सम्मुख। अनुभव करें बाबा के तेज को। बाबा की शक्तियों को। अग्नि समान गर्मी को। अनुभव करें बाबा की तपन को। समाते जाएं स्वयं में बाबा की तपन को। अनुभव करें बाबा की गर्मी स्वयं में समाते हुए।
अपने अंदर की कमी कमजोरियों को समाप्त होते हुए। विकारों रूपी किचड़े को भस्म होते हुए। बाबा की पवित्र अग्नि काम विकार की अग्नि को जैसे भस्म कर रही है। बाबा की एक एक शक्ति एक एक विकार को भस्म कर रही है। अपने अंदर के क्रोध को भस्म होता अनुभव करें। अंदर के लोभ विकार को मोह को अहंकार को किचड़े के समान जलता हुआ अनुभव करें। अनुभव करें स्वयं को हल्का होता। एक एक बोझ को आकर्षण को समाप्त होता अनुभव करें। अनुभव करें अपने प्रकाश को करोड़ों गुना बढ़ता हुआ। बाबा कहते बच्चे तुम मेरे सिकिल दे बच्चे हो। तुम मेरे विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बच्चे हो।
अब तुम्हें विश्व कल्याण कर। मेरे पास अपने घर वापस आना है। तो मुझे अपना साथी बना लो। अपना मददगार बना लो। पांच तत्वों के देह में रहते हुए स्वयं को देही अनुभव करो। सदा स्मृति रखो कि अब घर जाना है। तो अनुभव करें अब घर जाना है। अब घर जाना है। अब घर जाना है। बाबा से सर्व शक्तियां लेकर उड़ चलें सूक्ष्म वतन में। देखें ब्रह्मा बाप को, संपूर्ण आकारी फरिश्ता स्वरूप में। अपने आकारी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाप के सम्मुख स्वयं को अनुभव करें। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा की एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति को अनुभव करें। ब्रह्मा बाबा अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्रदान कर रहे।
अपनी सर्वशक्तियां। दिव्य दृष्टि द्वारा वरदानों के रूप में प्रदान कर रहे हैं। बाबा कहते मेरे नूरे रत्न बच्चे, विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य में मेरे सहयोगी बच्चे, तुम्हें विश्व का परिवर्तन कर स्वयं को बाप समान बनाकर अब मुक्ति में जाना है। और फिर जीवन मुक्ति में पार्ट बजाने, नई दुनिया सतयुग में आना है। जिसके लिए पांच तत्वों की देह में रहते स्वयं को देही अनुभव करना है। सदा यही तात लगी रहे, कि अब 16 कला संपूर्ण बन, सर्वगुण संपन्न बन, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन, संपूर्ण अहिंसक बन, अब घर जाना है। यही तात लगी रहे, अब घर जाना है। तो अनुभव करें, अब घर जाना है। अब घर जाना है। ब्रह्मा बाप से संपूर्ण शक्तियां ग्रहण कर आ जाएं स्थूल वतन पर। अपने पांच तत्वों की देह में भ्रकुटी कुटिया में समा जाएं। अनुभव करें मुझ आत्मा से निकलते,
शक्तिशाली प्रकंपन मेरे अंग अंग को। शीतलता प्रदान कर रहे हैं। मेरे अंदर की चंचलता मेरे शक्तिशाली प्रकंपन द्वारा एक एक अंग से मेल के समान निकल रही है। मेरा एक एक अंग संपूर्ण पवित्र बनता जा रहा है। अब मेरे एक एक अंग से पवित्रता की किरणें वायुमंडल में फैल रही हैं। मेरा संपूर्ण शरीर अग्नि रूपी प्रकंपन वायुमंडल में फैला रहा है। अनुभव करें अपने अंदर से निकलती गर्मी को। मेरे अंदर से निकलती गर्मी वायुमंडल की तमो प्रधानता को सतो प्रधानता में परिवर्तन कर रहा है। मेरा शक्तिशाली तेज एक ओहरे के रूप में चारों ओर फैलता जा रहा है। इस ओहरे में आने वाली एक एक आत्मा स्वयं को विकारों से मुक्त कर रही है। एक
एक तत्व जलवायु आकाश पृथ्वी और अग्नि का परिवर्तन होने लगा है। अनुभव करें परम धाम से। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। और मुझ आत्मा से मेरे एक एक अंग में समाती जा रही है। और मेरे एक एक अंग से फूट फूट कर वायुमंडल में फैल रही है। यही पावरफुल वायुमंडल एक एक आत्मा को परिवर्तन कर रहा है। एक एक तत्व का परिवर्तन कर रहा है। अनुभव करें अब मैं संपूर्ण संपन्न। बाप समान विश्व कल्याणकारी हूं। इस श्रेष्ठ कल्याण के कर्म की निमित्त आत्मा हूं। अब यही तात लगी रहे। संपूर्ण संपन्न बनकर घर जाना है। बार बार दोहराते रहें, अब घर जाना है। अब घर जाना है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, अब घर जाना है। अच्छा, कल अमृत बेला में सुबह 4 बजे नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।